संगे मंत्री संत का अयंग भाई बहन और सत्तरारो इंदा नमागे मानिम खुशी कथा की इंदा महे श्री सुमन और सरोजनी ये 25 साल पूरा बाचा तम है बैवानी जिंदी रही 25 साल ईसा नल्ली बहुत गिच्छा के बहुत लंबा डगरे और धर्मेश सिंह बेगर धन्यवाद एका से पार मना गुनर ईदा संभव के और अधिके नमागे 25 साल नु जरूर उते कोहा समारोह मनावाना ईद नमे कोहा सौभाग्य और नमे कोहा वरदान के ई दिन मनावाना बहुत जरूरी है तो अधिके इना मानी मंत्री 25 साल कोहा कर ले तेरी जिंदगी इंद्रा रक्षा तामी मखनर धर्मेश अकदस नाम जमा कुछ कुछ अकदस और इंदी लंबा जिंदगी आस डेग्राचस के उंद्रस और कुन ई मुकाम नु इस्ताज करा दस मानी मंती धैन बाना चाड़ के और इन्ना एरो खोले इर आस समय नु बेंद्रार अन्य मन्ने में से इतना आनर ने अन्य मन्ने में इतना आनर शायद अंजाना लर ले जोखर पिल्ला रिंबो ने इन्हें तो जोखर पिल्ला लगभग लगभग इन्हें भी सेफ पिल्ला तो लेकिन एरा इर 25 साल पूरा बाचर ने बो अंदु पूरा बाचर इर हकीकत हके और दिगे नाम कटी गुना छोटे संचित रूपेनु ये एक है कासे दखरे की घर इन्हें लंबा समय और कुन ई गुगेड्स करना कटी गुना नाम प्रतिवेदन रूपेनु मिलो तो सबसे पहले मैं हमारे आज के इस पावन जुबली दिवस पर आए जितने भी रिश्तेदार गांव वाले और सबों को हमारे क्रिकेटा परिवार की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आज अति सम्मानी श्रीधे फादर मंगल इन्नावहार पल्ली पुरोहित अति माननीय फादर संजीत रायपुर डायसिस और हमारे यहाँ अपना महान समय उपस्थित लिए हैं हमारे इसी गांव के झापड़ा गांव के फादर संजीत जो चंडीगढ़ डायसिस से हैं और साथ में श्रद्धेय फादर अति माननीय फादर दीपक तिग्गा जो बिकमपुर से हैं और ये चंडीगढ़ डायसिस में वहाँ सेवा दे रहे हैं। तो हम लोग साथ ही इन चारों फादरों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हमारे पिता तुल्य हमारे चाचा अति माननीय सुमन एवं हमारी अति माननीय चाची सरोजनी और साथ में उनकी मम्मी यहाँ उपस्थित है, साथ ही हमारी बड़ी बुआ अति सम्मानीय उर्सिला जो मधुबा से आई है। इन सभी का हम लोग आज पूरे झपरा गांव के माता पिता भाई बहन जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं हम पूरे गांव एवं हमारे क्रिकेटा परिवार की ओर से इन सभी का हम लोग हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज के इस पावन दिवस की इस 25 वर्षीय जुबली की हम लोग शुभकामनाएं ईश्वर की धन्यवाद देना चाहते हैं। पर प्रथम आज हम लोग का ये इस परिवार में कहें या इस गांव में कहें यहाँ हम लोग प्रत्येक जन आज हमारे इस जुबली में एक ईश्वर की योजना कहें या ऊपर वाले की आशीर्वाद कहें जो आज हम लोग इस 18 मई को हमारे माननीय चाचा और चाची का जो 18 मई 1998 में उनका विवाह ईश्वर की योजना अनुसार हुआ था और 25 वर्ष
फिर जाने के पश्चात आज हम लोग इनकी खुशी में इस जुबली में उपस्थित हुए हैं। तो मैं पुनः इस आज के पावन याद के लिए मैं सम्मानी माननीय चारों फादरों को मैं पुनः धन्यवाद आज के इस याद के लिए स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो हम लोग अभी हमारे चाचा और चाची का संक्षिप्त जीवन परिचय आज के इस पावन दिन में मैं अति सामान्य फादरगण धर्म बहन माता पिता भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे और विशेषकर आदरणीय चाचा चाची श्री सुमन क्रिकेटका श्रीमती सरोजनी क्रिकेटका जिनकी वजह से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिनकी वजह से सभी यहाँ आए हैं, सभी को जय यीशु। तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले चाची का, जो पहले सरोजनी तिग्गा थी, अब सरोजनी करकेट्टा बन गई है। इनका जन्म 1 मई 1969 धार मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय श्री जेरोम तिग्गा, इनकी माता श्रीमती अन्ना तिग्गा जो यहाँ पे उपस्थित हैं, ये तीन भाई बहन हैं और ये मजली हैं। इनके बड़े भाई रायपुर में हैं और इनकी छोटी बहन भिलाई में रहती हैं। इनकी स्कूली शिक्षा झींगो में हुई, फिर इसके बाद नगरी में हुई, कॉलेज की शिक्षा दतिया में, फिर दुर्ग में हुई। फिर 1995 में लेक्चरर पद पर पोस्टिंग हुई। पहली पोस्टिंग कन्नेवाड़ा बालोद जिले में हुई और अभी रायपुर के आरंग में प्राचार्य पद पर पदस्थ हैं। सुमन के पिता का संक्षिप्त जीवन परिचय बताना चाहूंगी। जिनका जन्म 8 अप्रैल 1967 को इसी घर में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री पॉलस क्रिकेटा और माता स्वर्गीय श्रीमती सुशीलिया क्रिकेटा। 6 भाई बहन में चाचा 5वें नंबर के हैं। इनकी स्कूली शिक्षा 1 से 8वीं सरायटोली में हुई, 9वीं से कॉलेज ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई और 1993 में LIC में नौकरी लगी और इनको पहली पोस्टिंग मुरैना जिले के गोहद में लगी और अभी रायपुर में पदस्थ हैं। तो आगे हमारे चाचा चाची कैसे मिले, इनकी शादी कैसी हुई, उनके बारे में मिस्टर अनुरंजन सर को बताएंगे। तो दोनों को कोई ना कोई मिलाता है, अब लोग दोनों को भी कोई ना कोई मिलाया। वैसे ही इन्हें माड़ो गांव के सेबेस्टियन क्रिकेटा और याकूब ने मिलाया। वे दोनों दोस्त थे। वे एक बार ऑडिट के लिए दुर्ग गए हुए थे तो उन्होंने चाचा को देखा, फिर वहीं पे उन्हें पसंद किया। ये बात है जुलाई 1995 की। फिर बात चली, फिर उसके 2 साल बाद लोटा पानी हुआ 2 नवंबर 1997 को माड़ो में। फिर उसके एक दिन बाद 3 नवंबर 1997 को बड़ा मेहमान हुआ जपरा में। फिर शादी हुई 18 मई 1998 को रायपुर में। जय यीशु। धन्यवाद। हमेशा इनको मदद करते गया
और मार्गदर्शन देते गया, कृपाएं देते गए और सचमुच ये इतने लंबे समय तक इतने लंबे जीवन की यात्रा इन्होंने की। सचमुच आज धन्यवाद देने का समय है। आइए इनके जीवन के लिए, इनके सफर के लिए और कई सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद कहें। श्री सुमन और सरोजनी दोनों को ईश्वर ने 25 वर्ष तक सुरक्षित रखा और सचमुच ये वैवाहिक जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीते रहे। बहुत सारी कृपाएं मिली, इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं पूरा परिवार की ओर से। और इसलिए यह परिवार हमारे सजय सिस्टर उर्सिला और परिवार के जो भी भाई बहन हैं चढ़ा रहे हैं, साथ में क्रिकेट का परिवार की ओर से धन्यवाद देते हुए यह बलिदान चढ़ाने का आग्रह किए हैं। आइए मतलब विशेष प्रार्थना करें। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रति एक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और तब वह सो गया। तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे सांस का मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य उसके माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। गाना नंबर लीजिए M22 पृष्ठ संख्या 289। तोरे नाम मोर दिल में छापला, तोरे नाम मोर हाथे खोदा लाए।
बाय 6 पद संख्या 13 से 15 और 17 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर या विचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। या विचार से दूर रहें, मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु या विचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता, ईश्वर ने उसकी कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। गाना नंबर लीजिए D17 पृष्ठ संख्या 125। ऐसा लग रहे हैं कि अभी अभी शादी कर रहे हैं। यदि हम उनके जीवन को बाहर से देखते हैं, बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, उनके पास कार है, गाड़ियां है, घर है, अच्छे घर है, लेकिन उनके आंतरिक जीवन को हम नहीं जानते हैं। कितने वे संघर्ष करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में और अपने वैवाहिक जीवन में, अपने अपने हिसाब से अपने परिवार की समस्याओं को हम जानते हैं। हमारे जीवन से क्या क्या टकराता है, हमारे पति पत्नी के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है। यदि हमारा जीवन, उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने चट्टान का उदाहरण दिया, बालू का उदाहरण दिया, यदि हमारे वैवाहिक जीवन को या फिर हमारे जीवन के नींव यदि हम इस संसारिकता में रखते हैं और हमारे जीवन से समस्याएं टकराती है, कठिनाइयां टकराती है, तो हमारा जीवन गिरने में समय नहीं लगता है, हमारा जीवन बिखरने में समय लगता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रभु ने कहा कि यदि कोई घर चट्टान में बना है तो कोई भी उसे हिला नहीं सकता, उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन हो या फिर पुरोहिताई का जीवन हो या फिर कोई भी क्षेत्र में हम जीते हैं, यदि हमारा जीवन का नींव प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु एक चट्टान की तरह है, उसके जीवन में कितने सारे तकलीफ, समस्याएं, कठिनाइयां, अपमान, घृणा की भावना उसके जीवन से टकराती है, लेकिन प्रभु कभी हिले नहीं, लेकिन उस पवित्र क्रोस पर से ईश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को पिता ईश्वर को सौंपते हैं। यदि हमारे जीवन को उसी प्रभु यीशु के हाथ में हम सौंपते हुए अपने पारिवारिक वैवाहिक जीवन को जीते हैं, जरूर हमारे जीवन से कठिनाइयां, परेशानियां, एक दूसरे के बीच में अनबन, सोच विचार में फर्क, ये सब हमारे जीवन से टकराती हैं, लेकिन वे सब हिला नहीं पाती। हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 में और सुसमाचार में ही हम देखते हैं
अध्याय 6 में हम देखते हैं कि वे 12 शिष्य को मिशन कार्य के लिए भेजते हैं। लेकिन धर्म 40 के आदम से एकदम खुशी हुई, हमेशा खुश रहो। आदि के धर्म इंद्र नंजर ये दुनिया तो जम्मा चीज नहीं दस, जम्मा चीज नहीं दस कि निघा के निघा मैया ये अधिकार हो उर्मी मैया नहीं अधिकार न। लेकिन आदम से मैया इंद्र नंजर खुश रहते कहाँ रहते जम्मा निघा के बचा दुनिया तो जम्मा चीज नहीं मन मास जंगली जीव जंतु उर्मी चीज निघा मैया निघा नहीं अधिकार न बात है। आदम खुश रहता कमा रहता माल रहता इंद्र न माल रहता उपयुक्त सहयोगी मार रहता ना खुश मार रहता खाने अंती धार्मिक बात सा कुछ का गड़बड़ है इन्हें पक्के चीज़ ना आसमी ये सॉफ्ट स्किन्स के अन्नू खुश मिलकर अन्नू खुश मिलकर बात सा क्या अंती ये इसके उपयुक्त सहयोगी का मन बात सा धार्मिक देखकर अंती उपयुक्त सहयोगी काम चास पहला पाठ नू ना मेंज का दिन तो पहला आदि यूं बाद में पहला पाठ नू ना मेंज का देखकर अन्य अंती आज एकदम खूब जब आदम जब ईश्वर संती धर्म संती जीवन काम चास की आदि आगे नू इस दाजी चास ना बड़ा खुश मंजा सास इंद्र बाचा सास इंद्र बाचा जवाब चीज चास धर्म से नू खुशी मंजस के उनका जवाब चिच्चा इंद्र बाचा फलो फूल में आप ही धर्मेश बाचा आदम से इंद्र बाचा ये देंगे है या तो मेरे हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस मां अंति हाँ मैं मंज करना जाऊँगा खुशी इंद्र बाचा से ये देंगे है होचो लाके हड्डियों का हड्डी और मांस जमा जमा इंद्र है के बाचा इन्ने खुश मंजस करस जीवन निरंतर खुश मंजस कर अंति अन्य अंति व्यवहारिक जीवन नो अंति धार्मिक जम नमन जमा रहन नमन सहयोगी ही रूप एक दूसरा भी सहयोगी काम कर बस और अंति नाम इन्ना ये विशेष अवसर नो नाम सुमन और सरोजनी ही व्यवहारिक जीवन 25 साल बहुत जुक्की उल्लामा मिले बहुत बग्गी उल्लामा मिले ये वैवाहिक जीवन नाम एर दस आज कैसे नाम सुधत ना वैवाहिक जीवन बहुत खुशी रही ये जीवन है के शायद एन सुधन की वैवाहिक जीवन उर्मी ती कठिन जीवन मनाऊंगी शायद तो उर्मी ती कठिन जीवन जीवन नो कभी खुशी कभी गम तो किया मैया कभी लड़ाई कभी प्यार तो इन्हें जीवन अंति ईर मैया हो भीतर की एन मतलब ना कि ईर एकदम उर खुशी खुशी तेरा अनर हुई एन एन मला और मला हो इन्हें हम मला बना की एकदम अन्य मन्ना र अन्य मला बना। लेकिन नाम है जीवन नो अगर धर्मेश में विकास धर्मेश नाम है परिवार नो में विकास बोलन की नाम है परिवार हो इन्हें हो उनकी जो किया मैया मनी जो नाम है जिंदगी नो किया मैया मनी आ किया मैया नो नंती नाम किया खतरा अगर नाम है जिंदगी नो धर्मेश में विकास हो तो इन्ना नाम अंती ये खुशी उल्लू नाम सुमन और सरोजनी ये 25 साल वैवाहिक यात्रा ये यात्रा जो बीतावाच करना अभी खुशी मनावा आगे नाम धर्मेशन धन्यवाद जी आगे नाम की ना जुमर कर दन और ये खुशी नू 25 साल पहले जो करार नंज कचार दिन जाही जो करार नंज कचार आ करार अंकि अक्टून इर दोहरो नाम पास का पर्व ही उलानो ना हो 32 माह ही दोहरा अन्य करार दोहरा दन अन्य बेसे अंकि इर हो ना कुन तम है वैवाहिक जीवन में करार दोहर और तम है वैवाहिक जिंदगी में पुख्ता मना के प्रार्थना मना के नाम के नाम हो संगे संगे नाम बिनती नाम सर्वशक्तिमान ईश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस अंगों से जो प्यार का चिन्ह है जो हम एक दूसरे को इस प्यार को प्रकट करने वाले हैं इस अंगूठी को आप आशीष प्रदान करें माँ बाप को आशीष और कृपा से भर दें और जो ये माला जो देव का प्रतीक है वो तो
के जीवन में हमेशा और प्रेम को हमेशा एक दूसरे को बात करें और एक दूसरे को उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काबारी बिंदुलान काबारी इधर का वाला बाकुन लेकिन ये बुझिया अकुन कभी कभी बुझावा ना मनो मैं तो अकुन ये एक दूसर ही अंगूठी हाथ का रहा अकुन मैं इसको नो तेंगांगोर का पुनो लेकिन जरूरी तो अकुन ये एक दूसर ही एक खाना मुख्य तोर और अभी बाद लो कुछ बाना रजिन बाहो सबसे बेटस सुमन मुद्दी अत्ता आते हैं वो उसने खाना पे देना आता है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए प्रेम और इंद्रावाचर प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए मैं लेखन के खानु मुद्दीरी के खान उठावा प्रेम प्रेम विसरा करा ईमानदारी विसरा करा किसान दर्दा को मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए ईद के बिल्कुल नाम ईद ही महके असली नाम है बिन ज्यादा चीज नाम एक दूसरे की चीज नहीं दल यानी नाम एक दूसरे की आत्मा सोच दिन विचार दिन जमन नाम चीज नहीं दल अकुल फिर से सिंगरी जीतारो कालो इदिन नाम पूछ लो कभी कभी लाडी स्मरी वगैरह भी हाँ सुने
गाना नंबर लीजिए E32 पृष्ठ संख्या 45। जब इस इच्छा से मृत्यु के सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली कुछ दिन बाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर प्रभु कृष्ण द्वारा हे सशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिखाया है गाना नंबर 55 पृष्ठ संख्या 389 सर्वव्यापी पिता सर्वव्यापी पिता पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा प्रत्येक से कहता है मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर तो जो युगान जीता रहता और राज्य करता है। आप लोगों के साथ रहे आपकी आत्मा के साथ पर शांति अभिवादन करें। गाना नंबर A19 तुझसे मिली है जिंदगी Thank you.
हम लोग जैसे बने हैं वैसे ही बने रहेंगे। घर घर नाम अभी 25 साल तक पढ़ाई देना भी पड़ा चाहिए चाहिए 25 साल में ये लोग बिल्कुल एक या दो लाइन में बोलना बहुत कठिन है ऐसे मैं समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ 100% भी कम पड़ेगा। जीवन की यही खासियत है खाना कठिन है ये बड़ा समुंदर ही है इसलिए बहुत बड़ा समुंदर है। हमने जरूर थोड़े शब्दों में सुना लेकिन हम लोग समझ गए कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार ताली तो ये कार्यक्रम के करीब आगे बढ़ेगा कार्यक्रम हुआ विवाह संस्कार हुआ हम लोग देखे और ये बहुत धूमधाम से ही हो रहा है और हुआ तो हमारे आदरणीय चाचा और चाची बहुत खुश हैं और उनकी पति के साथ हम लोग भी जितने भी यहाँ रिश्तेदार हैं अंबिकापुर से हैं सरेटवे से हैं माड़ो से हैं छापड़ा से हैं और जितना भी हम लोग सभी खुश हैं। हमारे हमारे चाचा और चाची के हम लोग उनका बेटा बेटी लोग भी हम लोग उनके नाती लोग भी उनके भाई लोग भी हम लोग दिल की गहराई से और बहुत बधाई देते हैं धन्यवाद चाहते हैं और हम लोग आज बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं क्योंकि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित किए हैं और ये सब ईश्वर की योजना ही है। साथ ही हमारी बुआ भी उपस्थित है मम्मी भी उपस्थित है और हमारे चाचा सदैव फादर मुखिया अनुपाता फादर मंगल नवहा पल्ली पुरोहित साथ ही मेरे साले फादर सदैव फादर संदीप जो रायपुर से यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम के लिए ही आए साथ ही हमारे माननीय सदैव फादर संदीप और इनका डिग्री दोस्त
दीपक मुखिया ये भी चंडीगढ़ से आए हैं आज इस प्रोग्राम के लिए। समय इन हजारों भाइयों को हमारे पूरे क्रिकेट परिवार की ओर से हमारे नए वर वधु चाचा चाची और हमारे युवा सिस्टर और गांव के गणमान्य नागरिक बच्चे सभी की ओर से इन चारों फादर को क्रिकेट परिवार के प्रांगण में हम लोग उनको आज के सुंदर कृपया सुंदर पावन बिजली हिस्सा पूजा के लिए हम लोग इनको चढ़ाने के लिए हम लोग सही धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रगुजार आभार देता हूँ। पुनः हम लोग इन चारों आदरणीय के लिए जोरदार एक बार ताली बजा देंगे। अभी केक काटा जा रहा है, जुबली केक काटा जाएगा अभी। ईशान बहुत आला रहना ससुरेता आलार और नाम एम्हा बुद्धियार और परिवार का आलार साक्षी रहना और सुख दुख का जमे जीवन नु रही। लेकिन आज जीवन दिन नाम एकासे नाम अनु उज्जत बिज्जत मतलब फर्क पड़ा रही। तो जीवन का
भौतिक मतलब बहुत कठिन मान रहता क्योंकि इन्हें परिवार का और ससुराल ही परिवार का आला मतलब परिवार का आला ही बहुत सहयोग रहता बहुत ही सहयोग इन अगर इन्हें शायद इन कल्पना हो नाना पोता इन्हें मतलब सहयोग रहता है और अपुन हूँ जो शशि बेटी जो बिंज काम तो आप परिवार हो शायद इम्हाए शायद धर्मेश जी आशीष दी महके कि इमागे अन्य दमान और समदो समधीर खखरा ईद धर्मेश जी आशीष दी महके तो अंगे एनगा इंहाए वैवाहिक जीवन की बहुत खुश रदान और दुआनंदान की धर्मेश और जो जीवन रही अधीन हूँ तंगहाए आशीष बराकत की बढ़ाबोस आगे इन बहुत धर्मेश इन बहुत बहुत धन्यवाद एन हिंदी थी बॉन्ड सभी को हम लोगों की खुशी में शामिल होने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से फादर लोगों को जो बहुत दूर दूर से आए और हम लोगों की खुशी को बहुत बढ़ाए हर परिवार के लोग भी आए और यहाँ आकर जब मेरी शादी हुई थी उस समय भी मुझे बहुत अच्छा लगा था परिवार से सभी से बहुत प्रेम मिला तो मैंने एक बार अपनी मम्मी को कहा भी था कि आप मेरे को अपने घर में तो बहुत काम कराती हैं ससुराल में मेरे को कोई काम नहीं कराता है और बहुत खुश रखता है सब मेरी बात मानते हैं तो मेरे मायके से ज्यादा अच्छा मेरा ससुराल है और यहाँ गांव के लोग और हमारे सब रिश्तेदार इतने दिनों से हम लोगों को देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर बार बार आते हैं और मैं सब लोगों से कहती हूँ कि जो मेरा ससुराल है वो कश्मीर है यहाँ इतना अच्छा लगता है तो मेरे स्टाफ के लोग भी कहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है वो भी छत्तीसगढ़ में है और इतनी अच्छी है जब मैं उनको बताती हूँ कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी इतना ठंडक रहता है और इतनी हरियाली है सुंदरता है वहाँ के गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं तो सब लोग वैसे मेरे से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है हम लोगों को भी कभी ले चलिएगा तो मैं उनको बताती हूँ कि मैन पार्ट आप लोग देखे आधा मैन पार्ट के बगल में है तो यहाँ सब लोगों का जो प्रेम है प्रेम ही हम लोगों की खुशी का आधार है और मेरा ये मानना है कि हम लोगों के प्रेम का गोला जितना बड़ा रहेगा जिसमें जितने ज्यादा लोग रहते हैं और जो स्नेह सब लोगों से बना हुआ रहता है परिवार की रिश्तेदारी जितनी बड़ी रहती है उनकी खुशी उतनी ही बड़ी रहती है तो यही हम लोगों की खुशी का राज है सब लोगों के साथ हम लोग घूमने के शौकीन हैं इसलिए जितने ज्यादा रिश्तेदार हैं उतने लोगों के यहाँ जाते हैं भले बहुत साल में एक बार जाएं मगर जाते जरूर हैं मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि मेरी रिश्तेदारी जितनी बड़ी है और जितनी बढ़ती जा रही है हम लोगों के समझो समझी बने अभी तक दो समझो समझी बने हमारे नाती पोते हुए मुझे इतना बड़ा परिवार बहुत अच्छा लगता है उनका मायके में भी बहुत बड़ा परिवार है और अभी तक एक ही है सब तो वैसे ही यहाँ पर भी बहुत बड़ा परिवार है और सब एक है वही हम लोगों की खुशी का राज है हम लोग सब लोगों के साथ मिलजुल के रहना ही हम लोगों को जा
ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे चाचा, मेरे बड़े पिताजी, सबके दीदी जीजाजी लोग, उनके बच्चे लोग आए हुए हैं। और मेरी शादी के बाद शायद 25 साल में वो लोग पहली बार मेरे ससुराल में देखने ही आए हैं। इतना तारीफ करने के कारण मेरे ससुराल में आए तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और यहाँ पर मुझे कभी हम लोग नौकरी करने वाले हैं इसलिए ऑफिस का टेंशन रहता है, तनाव रहता है, मगर यहाँ आने के बाद दिमाग में एक भी तनाव नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता। हम लोग वो सब चीज को वहीं छोड़ के आ गए रहते हैं। यहाँ हम लोगों को बहुत शांति और चैन लगता है, स्वर्गीय आनंद लगता है। इसीलिए आप सभी को धन्यवाद हम लोगों की खुशी में शामिल होने के लिए, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। से सिंगियर अंतिम तो है पारिवारिक जी।
नाम जूड़ी रगत नाम है भाई हो सुमन क्रिकेट का और नाच दो सरोजनी क्रिकेट का दियो जर गे झपड़ा पर्दा तहती शुभकामनाएं कि डंडी पाइट कर निमन बहुत बहुत धन्यवाद और उनके कथा है निमन तंगा बेदिदा और आ कथा है के नाम काफी खे नामे दुखी उधर खबर है या तो नेखम नामे उधर बोले आदि ही कुछ माने मतलब हूँ मनी तो इन्ना नाम है 25 साल बेंजा ही 25 साल पूर्व का जुबेल ईयर है दिन बनार एनिवर्सरी या तो 25 साल वर्षगांठ रजत जयंती तो इन्ना थोड़े सम नाम इन्हीं नामे ही परावलवाची कटी बुझ रोड
तो हमारा भाई सुमन क्रिकेटर, सुमन मतलब फूल, कौन सा फूल पता नहीं ना, लेकिन सुमन मतलब फूल, और सरोज मतलब जलज कमल और वनज भी होता है, वनज भी होता है, लेकिन यहाँ पे सरोज मतलब कमल, एक और फूल, फूल का पता नहीं लेकिन एक और क्लियर है कमल फूल। तो इन दोनों फूलों का संयोग का आज 25वां वर्षगांठ, जो रजत जयंती के नाम से हम जानते हैं। तो इन्हें आज हम क्रिकेट परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही इनका जो प्रेम होता है फूल और कमल फूल, फूलों में क्या मनाते हैं भावरे, लेकिन इन दोनों फूल का संयोग ऐसा संयोग है कि ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू, आई लव यू इन्होंने कह दिया है, और आई लव यू का वर्षगांठ हम देख रहे हैं एक पुत्र के रूप में और एक पुत्री के रूप में, जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं इतना ही कहने के बाद क्रिकेटा परिवार की ओर से, घर की ओर से एक स्वागत गान प्रस्तुत करने आ रहे हैं। मैं क्रिकेट का परिवार को यहाँ सामने आमंत्रित करता हूँ। क्रिकेट का परिवार से जुड़े सभी मेहमानों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वे यहाँ पे आए और स्वागत के तौर पर स्वागत गाना गाते हुए हम उन्हें अपना प्रेम परिवार के जुड़ का जितने भी नाम है सगे संबंधी अगर आज किशन बरा और डंडी नाम पाड़ो तेकर नाम है प्रेम दिन कटी के ए दूर। इसी के साथ में बीच बीच में क्या होता है, छोटा ब्रेकिंग होता है, तो ब्रेकिंग ब्रेकिंग में न्यूज ये है कि किशन चुनहा जो के बच्चा आयर बाबर भाई बहिनार जितने भी ईशन वर्ष का दर, ईशन भागीदारी मंच का दर, जमा के नसरा नंदन और केटा परिवार ईशन आमंत्रित नंदन और साथ लोग ये बग्गे बादन की जे भी ईशन वर्ष का दर ने हूँ बेगर मंडी का अंबर कटका परिवार और पूरे सगे संबंधित अति उचित स्वागत है। Oh.
ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। एक फूल जैसा, एक फूल और एक कमल फूल जैसा हमारे चाचा चाची और अगला 50 साल की जुबली के लिए मुस्कुराते रहें और जीवन जिए। हम सभी उनके बच्चों के पूरे परिवार की ओर से हम लोग वही ईश्वर से आशीर्वाद और प्रार्थना देते हैं। बहुत धन्यवाद। पवित्र बेंजा धर्म सी जोड़े इधर देखिएगा तो
पापा पकड़ो ना, पहले एनिवर्सरी का है जब एक साल हुआ था शादी का, वो फोटो है ये अभी भी वैसे ही है लेकिन
भी जगह मिलेगा? नहीं नहीं बंद करता हूँ ना। हाँ दिन धरा है बोरा होगा तो देखिए ना बोरा। एक बार ग्रुप में पत्र जमा पड़ा हो गया बोल रहा। सारे परिवार के सदस्य कृपया करके सामने आ जाएंगे। नहीं,